ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में एक एक यानी चार मठों की स्थापना की। इन चारों मठों में उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। मठ के प्रमुख को मठाधीश कहा जाता है और मठाधीश को ही शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। शंकराचार्य बनने के नियम क्या है आपको यह भी बता देते हैं। आदि शंकराचार्य ने ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है मठामनाय। इस ग्रंथ में चारों मठों की व्यवस्था के नियम, सिद्धांत और शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के भी नियम लिखे हुए हैं। मठामनाय नाम किस ग्रंथ को महानुशासन भी कहते हैं। इस ग्रंथ में कुल 73 श्लोक हैं। इस ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के लिए व्यक्ति का सन्यासी और ब्राह्मण होना आवश्यक है। इसके अलावा सन्यासी दंड धारण भी करने वाला होना चाहिए, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए और तन मन से वह पवित्र होना चाहिए। सन्यासी का वाग्मी होना आवश्यक है, यानी वो चारों वेद और 6 वेदांगों का परम विद्वान हो और साथ ही शास्त्रार्थ में निपुण हो। इस समस्त नियमों को धारण करने वाले सन्यासी को वेदांत के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता है। इसके बाद सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर और संतों की सभा शंकराचार्य के नाम पर सहमति जताती है। इसके बाद इस पर काशी विद्वत परिषद की मुहर लगती है। इस प्रकार सन्यासी शंकराचार्य बन जाता है। इसके बाद शंकराचार्य दशनामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करता है। मठ जो है वो सनातन धर्म में धर्म अध्यात्म की शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान कहे जाते हैं। इनमें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन होता है और शिक्षा भी इसी परंपरा से दी जाती है। इसके अलावा मठों द्वारा अलग अलग सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। अब इन चारों मठों में क्या खास है आपको हम यह भी बताते हैं। सबसे पहले बात ज्योतिर्मठ की कर लेते हैं। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है और इसके अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद इस मठ के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत और सागर संप्रदाय के नाम खास तौर पर लगाए जाते हैं। ज्योतिर्मठ का महावाक्य है अय महात्मा ब्रह्म है। इस मठ के पहले मठाधीश त्रोटकाचार्य थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जिनका भी निधन हुआ है, इस मठ के वो 44वें मठाधीश थे और अर्थवेद को इस मठ के अंतर्गत रखा गया है। श्रृंगेरी मठ, इसके बारे में बता देते हैं आपको। दक्षिण भारत के चिकमंगलूर में ये स्थित है। इस मठ के अंतर्गत दीक्षित होने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती और पुरी लगाए जाते हैं। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य थे। वर्तमान में स्वामी भारती इसके शंकराचार्य हैं, जो 36वें मठाधीश भी हैं। गोवर्धन मठ, भारत के पूर्व में ओडिशा के जगन्नाथपुरी में यह मठ स्थित है। इस मठ से जो भी दीक्षित होता है उनके नाम के लास्ट में वन और आरण्य लगाए जाते हैं। मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म और ऋग्वेद को इसके अंतर्गत रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश पद्मा पदाचार्य थे। वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं, जो कि 145वें मठाधीश हैं। अब बात करते हैं शारदा मठ की। पश्चिम के गुजरात के द्वारका में मठ स्थित है। इसके अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम खास तौर पर लगाया जाता है। इस मठ का महावाक्य है तत्वमसि और सामवेद को इसके अंतर्गत रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक थे। वह आदि शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस मठ के 79वें शंकराचार्य बनाए गए थे। अब चलिए यह भी आपको बताते हैं कि शंकराचार्य का पद खास क्यों होता है। शंकराचार्य की हैसियत सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु की होती है। बौद्ध धर्म में दलाई लामा, ईसाई धर्म में पोप इसके समकक्ष माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर इस पद की परंपरा शुरू हुई थी। आदि गुरु को जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है, जिसका इस्तेमाल पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाता था। समस्त हिंदू धर्म इन चारों मठों के दायरे में आता है। विधान ये है कि हिंदुओं को इन्हीं मठों की परंपरा से आए किसी संत को अपना गुरु बनाना चाहिए। रविवार को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 99 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। स्वरूपानंद सरस्वती भारत के 4 मठों में से 2 के शंकराचार्य थे। एक है ज्योतिर्मठ और दूसरा शारदा मठ। अब इनके निधन के बाद इन मठों के मठाधीश के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद को चुना गया है। उम्मीद है कि आप मठ और मठाधीश और शंकराचार्य इन तीनों चीजों को समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।